तो खेत में खाना ऐसा मिलता था, तो आज आप खेत में बैठ के खाना खा रहे हैं और ज्यादा दिक्कत होगी। और यहाँ से बिजलियाँ उत्पादन करते हैं जो अपने वेजिटेबल ऑयल खाते हैं ना, लगभग लगभग पाम ट्री का अपना। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हाल चाल भाई लोगों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। और अभी हम हैं यमसुक्रो और अभिजान के बीच में माइलस्टोन 162 पे, जहाँ पे कि हम कुणाल भाई के पास रुके हुए थे। परसों रात को हम पहुँचे थे, एक रात रेस्ट कर लिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा, पहले तो कल का वीडियो देखिएगा। अभी हम हैं कुणाल भाई की फैक्ट्री में और ये इनका प्लांट लगा हुआ है उधर। सुबह उठे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, आज हमने कर लिया रेस्ट, आज हम राइड नहीं कर रहे। पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, हम यहाँ पे पहुँच गए थे तो आज हमने राइड नहीं किया। तो कुणाल भाई ने ये प्लांटेशन कर रखी है और मेरे को आज यहाँ पे विजिट करना था काकाओ के प्लांटेशन में और काजू के प्लांटेशन में और कॉफ़ी के प्लांटेशन में। और उससे पहले मैं घर पे हूँ, बाऊजी और के साथ में, बाऊजी भी आ गए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे कुणाल जी। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका इंतजार। अरे मेरा इंतजार, सबसे बड़ी चीज़ है मदानी, देखिए मदानी ला रखी है बाऊजी ने। और ये देखो घी निकल रहा है ताज़ा ताज़ा, और अभी परांठे बना रहे हैं। बाऊजी बोला कि मैं अभी आलू प्याज के परांठे भी खिला रहे हैं, प्याज के परांठे। और ये कौन सा फ्रूट है, ये है मंगूस्ता, इसको बोलते हैं मंगूस्ता यार, ये यहाँ का लोकल फ्रूट है। ये इसके अंदर जैसे अपने सी टाइप सा होता है, ये थोड़ा सा यहाँ के लोग बहुत खाते हैं और बहुत एनर्जेटिक बताते हैं यहाँ पे। बाऊजी अभी अंदर गए होंगे स्नान वनान करने के लिए, तो इस मदानी से पता चल गया होगा कि बंदे कहाँ के हैं। और दूसरी अगर न पता चला हो तो ये लो, अब पता चल गया होगा, अब तो पता कंफर्म हो गया कि भाई हरियाणा से हैं। ओके की चिलम। खैर अच्छा लगा भाई कुणाल भाई, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज अपने जा रहे हैं ताबू, जहाँ पे यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना प्लांट, बराज 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 जा रहे हैं। उधर से फिर काकाओ, ज्यादा पिघला रखे अपने, ये ज्यादा थोड़ा हो गया, ज्यादा मम्मी मम्मी करे ये काम। और देखिए सबसे अच्छी चीज पता क्या है, अब आप मक्खन का ही रंग देखिए बिल्कुल पीला है, यहाँ पे कोई नमक नहीं मिलाना पड़ रहा है इसमें, बिल्कुल पीला नेचुरल कुदरती। फिर तो लस्सी बाद में निकालनी पड़ेगी भाजी, ये तो बिल्कुल ही नरम हो रहा है। एक बार और मिलाओगे ना इसमें? ना, निकल गया सर, आ दिया। सो गाइस हम बैठ गए गाड़ी में, फैक्ट्री से निकल के एक छोटा सा गांव आया। भाई कह रहे कि गांव जो है काफी डेवलप और वेल प्लान सिटी, मतलब गांव है यहाँ का, खूबसूरत है भाई। कितना बड़ा तो हॉस्पिटल बना हुआ है गाँव में, लग ही नहीं रहा गाँव है, कोई टाउन सा आ गया ऐसे लग रहा है। तो भाई ये डैम बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तार वार तो मुझे ज़्यादा दिखे नहीं, पर ये एरिया अच्छा है, इसको पानी को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये नदी वदी बना के। मॉडर्न डैम ये उस तरह का है, ये लोग इस साइड में फिशिंग कर रहे हैं इसके अंदर। ये बिल्कुल सामने जो है डैम बना हुआ है और ये नदी है, बिल्कुल नीचे नदी जा रही है। ये पत्थर को काट के और नदी बनाई है इन्होंने डैम को, मतलब डैम देखो कितना नीचे आ गए, ये सारे पत्थर काटे हैं और फिर ये नदी बनाई है और ये नदी इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये देखिए ये पानी इकट्ठा इधर करते हैं और यहाँ से बस जनरेटर से नीचे से निकाल के और उधर ले जाते हैं बस पानी को, और यहाँ से बिजलियाँ उत्पादन करते हैं। भाई अब हम टरबाइन से निकल लिए, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वहाँ पे थे। प्लांट अच्छा बना हुआ था यार, 21,000 मेगावाट का जो प्लांट है और लगभग 30% जो एरिया है अभिजान का, या कह सकते हो एवरी कोस्ट का, उसमें इसकी सप्लाई होती है। और जितनी रिक्वायरमेंट अभिजान में होती है उसी हिसाब से ये पानी छोड़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इनका अपना हिसाब किताब है। और अंदर तक उन्होंने टरबाइन के आसपास तक भी, मतलब जहाँ से वो सप्लाई होती है, सारा ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है टोटली सारा प्लांट जो है। अब ये चल रहा है, बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट था और इन लोगों ने बड़ा अच्छा सा, मतलब वेलकम भी किया और अच्छे से समझाया भी चीज़ों को, साथ में पानी पिलाया यार। नॉर्मली यहाँ के लोग गेस्चर नहीं है कि हम जैसे कोई भी आता है तो घर में चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो रूटीन में यहाँ पे वो एक रूटीन नहीं है यार किसी का कि वो पानी पिलाते हैं यहाँ पर। उन्होंने जाते ही सबसे पहले जिन मैडम से हम मिले उन्होंने पानी पिलाया और अच्छे से आवभगत की, ये सबसे अच्छा था। और ठीक है अब इसके बाद में अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी दूसरी जगह पे। सो भाई ये कॉफ़ी प्लांट है, तो हम प्लांटेशन देखने आए थे, ये भी कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्लांटेशन हो रही है। अभी तो सीज़न नहीं है, गर्मी का सीज़न है तो ये सब मुरझाए पड़े हैं पेड़। पपीता तो इन दिनों खूब होता है यहाँ पे, लोग आप किसी के खेत से तोड़ ले जाओ कोई मना नहीं करता यहाँ पे। और केला भी है ना यहाँ पे, मतलब लंबा केला होता है और वो पूरा गुच्छा नहीं होता, अलग अलग से होते हैं ऐसे। अब ये रह देखिए, ये कॉफ़ी के बीन्स हैं, इनसे कॉफ़ी बनेगी, ये इनसे कॉफ़ी बनती है। ओ पाम ट्री है, जो अपने वेजिटेबल ऑयल खाते हैं ना, लगभग लगभग पाम ट्री का बना होता है।
ये हम यहाँ पे किसी के घर पे आए हैं यार, और प्लांटेशन देखो भाई ने जरकंडा लगा रखा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत प्लांटेशन हो रही है, क्या खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी मिनिस्टर का घर है शायद, ये पुराने का। इसकी खुशबू आती है, ठीक है, नाम भूल गया मैं इसका, क्या हाथ की रानी टाइप किसी खुशबू आती है इसमें, ज़बरदस्त खुशबू। वाह, और ये इसका बीज है, बड़े वाली मौसमी। इसको चिकोतरा बोलते हैं आपको, आपके यहाँ चिकोतरा बोलते होंगे? कंप्लमा अपने इंडिया में भी होता है ये तो बहुत सारा। और ये पर इधर का मीठा है। अच्छा, वो भाई कम से कम इतने उसमें 15 किलो वजन होगा। नीचे भी लटक रहे, तोड़ लो, खाते हो तो खा लो, फ्रूट ही खा के देखें। ये क्या फ्रूट है मुझे नहीं पता, बिल्कुल गन्ने जैसा फ्लेवर है इसका। क्या बोलते हैं इसको? को पता नहीं क्या बोलते हैं, बट डॉक्टर साहब ये फ्रांस से इंपोर्ट किया हुआ है। अरे बाप रे, कितना बड़ा नारियल है, एक नारियल में 1 लीटर पानी निकलता है, इतना बड़ा नारियल है। आप खट्टे होते हैं ना, इतना मीठे होते हैं, आप एक बुड़का मार के देखो इतना मीठा। ये स्टार फ्रूट है, मीठे होते हैं ये भी। इस पे कीड़ियाँ चढ़ी रहती हैं, ये है क्या पता नहीं, इस पेड़ पे लगा हुआ था, इसके अंदर ये बीज निकला है। ये भाई की जो है फैक्ट्री है, एक्चुअली आरा मशीन है, यहाँ पे इतने ट्रक है, ये जंगल से गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट से लकड़ियां लेते हैं, उसको यहाँ पे काट के यहाँ से डायरेक्ट लकड़ी अब इंडिया या फिर कहीं पे भी नहीं भेजी जा सकती। अब उसको काट के और फिर उसको पैक करके और फिर कंटेनर में जाती है। यहाँ पे इनका फर्नीचर का काम होता है, फर्नीचर की चीज़ें सारी यहीं पर बनाते हैं। इधर काफ़ी जो है वो स्टाफ क्वार्टर बनाए हुए हैं, काफ़ी इंडिया के लोग भी काम करते हैं, 30 के करीब स्टाफ इनके पास में इंडिया से है। यहाँ का फ्लैग और हमारा भारतीय फ्लैग दोनों साथ साथ लगे हुए हैं। इनके फ्लैग में कलर दोनों का सेम है, इनका ऐसे है हमारा ऐसे है कलर, पर हमारे वाले में चक्कर है और इनके में चक्कर नहीं है। यहाँ पे 10 मशीनें लगी हुई हैं आरा मशीन, और अलग अलग क्वालिटी के वुडन है वो तैयार होते हैं। सांगवान की लकड़ी मेनली इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो अब हम चलने की करते हैं तैयारी, यहाँ से हम जो है अभी यमासुक्रो पहुँचेंगे। आज यमासुक्रो जो है 80 किलोमीटर के करीब है, 80-85 के करीब यहाँ से बचा हुआ है। और जाने से पहले आज जो है 25 जनवरी है, तो 26 जनवरी को आज 25 जनवरी बनाते हैं हम और अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू भाऊजी, ठीक है। और बालाजी इम्पैक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए कितने लोग हम इकट्ठे हो गए हैं, और इतना पूरा का पूरा स्टाफ एक साथ मिलने का मौका कभी कभी मिलता है। और स्पेशली थैंक्स भूप जी कि न गया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे पकोड़े खिलाए इन्होंने आते ही, और दो दिन अच्छी सी सेवा करी, तो थैंक यू सबका, आप लोगों का आए। कुणाल जी आपका भी शुक्रिया एक बार और। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है, तो वंदे मातरम तो बनता ही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा प्रीतार्थी डॉक्टर राज, साइकिल बाबा, साइकिल बाबा, साली सेंट सिक्लिस, सेंट टूरिस्ट। Il a commencé à faire le tour du monde à vélo. Donc aujourd'hui, il est arrivé. Ce qu'on peut faire, c'est de rassembler. Ici, tout le monde content. So ici, voilà. All are happy to receive you here. Anybody want to join me? Madame Vinay. Qui est prêt pour aller avec lui? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यस, थैंक यू सो मच। लो भाई, बाइक की फैक्ट्री से निकल लिए हम, कुणाल की फैक्ट्री से, और अब हम बड़ी कच्चा रास्ते से हाईवे पे चढ़ेंगे, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, और फिर यमासुक्रो पहुँचेंगे। आज चलते चलते काफ़ी लेट हो गए हम, 9 बज गए यार लगभग, बातें करते रहे, चल पड़े हैं तो अब तो निकाल ही देंगे। बट आज रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पर, और अभी भी लग रहा है कि बारिश का मौसम होएगा। अगर बारिश नहीं हुई और धूप आ गई तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, अगर बारिश ही आ जाए तो ही ज़्यादा बेटर है, इससे तो धूप से तो। पहुंच गए भाई हाईवे पे।
शिकारी शिकार करने लिख रहे हैं। बंजोर बंजोर साबा साबा ठीक है ना, चूहे से मारते हैं रास्ते में, फिर वो उनको सेल करते हैं। बड़े बड़े चूहे होते हैं यहाँ पे, कुछ और बोलते हैं उनको। ये कैश्यू की फैक्ट्री है भाई, कैश्यू प्रोसेसिंग की, इसमें प्रोसेस होता है कैश्यू 189 माइल पे। और ये मिस्टर राजकुमार जी हैं हमारे साउथ से, तो उनकी फैक्ट्री है। हम पहुंच गए ये खूबसूरत सी फैक्ट्री के अंदर और मनमोहन सर मिले हैं। सर कैसे हैं? हाय बढ़िया सर। हाँ तो कितना पुराना प्लांट है आपका? एक्चुअली ये कैश्यू की प्रोसेसिंग होती है, काजू की प्रोसेसिंग होती है। काजू पेड़ पे लगता है तो एक कैसे होता है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली आई विल टेल यू। या प्लीज नोट इट। प्रोक्योर फ्रॉम लोकली आरसीएन, वी कॉल रॉ कैश्यू नट। ओके, सो देन वी हैव अ प्रोसेसिंग प्लांट हियर, सो वी विल प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट द प्रोसेसिंग। सो फ्रॉम आरसीएन वी कॉल इट एज अ कर्नल, फिनिश्ड गुड्स, द वन कैश्यू। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूं मेरे हिंदी दर्शकों के लिए और मैं सर के YouTube तो देखता रहता हूँ। यहाँ पे एक फैक्ट्री 2 साल से है एंड ये हमारी सबसे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कैश्यू प्रोसेसिंग यूनिट है और सिंगल रूप में सारा कुछ मिल जाएगा। जनरली के कैश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है कि अलग अलग यूनिट होता है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कैश्यू की जो प्रोसेसिंग होती है ना वो बड़ी हार्ड रहती है, उसको केमिकल से भी गुजरना पड़ता है, उसको फिर गर्म करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर उसका छिलका उतारना पड़ता है, तो ये लंबी प्रोसेस होती है। इस सारे प्रोसेस को अगर इसमें टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाए या केमिकल इम्बैलेंस हो जाए ना तो कैश्यू ख़राब हो जाता है। और फिर कैश्यू की क्वालिटी होती है मतलब 150 mm से लेके 300 mm तक का कुछ ऐसा होता है। तो वो मैंने कभी देखा था बहुत साल पहले, अभी मुझे ज़्यादा सर नहीं है। वो उतना ही अच्छा कैश्यू होगा, उतना ही एक्सपोर्ट क्वालिटी अच्छी रहेगी उसकी, ऐसा कहा जाता है। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। दुनिया की सबसे बड़ा कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट है ये, और पीछे स्टाफ क्वार्टर्स हैं, यहाँ सारे स्टाफ वाले रहते हैं। लो भाई, हाईवे पे बैठ के, जगह थी नहीं, ये कुछ टूटा हुआ सा वो था, और ये अचार है परांठे और ये लस्सी। जैसे खेत में जाते थे ना तो खेत में खाना ऐसा मिलता था, तो आज आप खेत में बैठ के खाना खा रहे हैं अचार के साथ अपने परांठे। और ये अचार किस चीज़ का है, नाम बताना भाई इस अचार का, दिखाना भाई पास से। टेम्परेचर जो है वो 37 तक जाएगा और फील लाइक जो है 42 तक हो भाई। जो भी बादल हटे हैं तो एकदम गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा जाएगा आज क्योंकि बारिश के बाद ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अभी देखो ह्यूमिडिटी कितनी परसेंट है, अभी है 74%, तो और बढ़ जाएगी। गर्मी इतनी हो गई है भाई, टेम्परेचर जो है फील लाइक 44 है और वैसे 37 है। और मैंने कैप को हटा के अब ये लगा लिया अपना ताकि थोड़ा सा सेफ रहे, क्योंकि सर जल रहा था पूरा, तो अभी इससे अंगूठे वाले बाबा बन गया, हम टोपी वाले बाबा से। भाई गर्मी ने हद मचा रखी है, हमारे वाले बच्चों से भी ज़्यादा क्रिएटिव हैं ये तो। इधर भी बैल वैल भी बना रखे हैं। 3 बज गए हैं, गर्मी अभी भी बहुत है, टेम्परेचर 38 डिग्री के आसपास है, फील लाइक 44। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। ये शहर का नाम क्या है यार, हिंदी में लिख के बताना भाई। वेलकम टू यामासुक्रो, यामासुक्रो में एंटर करके अभी यहाँ पे टोपेक्स करके एक पेस्टिसाइड की कंपनी है, वो हमारे देसाई सर जी और उन्होंने पीने के बोला है, तो उनका गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस इन द सेंस कंपनी का गेस्ट हाउस। भाई साहब उनसे मेरी बात हुई है और हालत बहुत ख़राब हो गई है, चेहरा लाल हो रहा हुआ, इतनी गर्मी बारिश के बाद में टेम्परेचर 37 डिग्री फील लाइक 44, कांट बिलीव। और हवा बिल्कुल ना चल रही हो। ये केला सब्जी सब लोड कर करके ये गाड़ी लेके जाते हैं, अंदर भी कुछ सवारियां बिठा लेते हैं, बाकी लोड कर लेते हैं।